करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे उतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे। पहले मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर ये दिया हुआ एपी आपको दे दिया गया। चलिए एपी क्या है, एपी -1 है, 4 है, 9 है, 14 है, ये हमारे सामने एपी आ चुका है। ओके, एपी आ चुका है और बोला गया है इन द nth टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का जो nth टर्म होगा, इस एपी का जो nth टर्म होगा, कुछ होगा nth टर्म हमका ना पता, लेकिन कुछ दे दिया गया nth टर्म इसका 129 होगा। इस एपी का nth टर्म कितना है, 129 है, तो हमको n का वैल्यू ये भी आसान क्वेश्चन है आपके लिए। देखो हमको n का वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे बनाओगे वो देखो, सिंपल से इसका फॉर्मूला यहाँ पर फिलअप करना है। भैया क्या ही फॉर्मूला होता है, n है ना, सिंपल सा, फर्स्ट टर्म में n से एक कम अर्थात n -1 से d में मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 129। इस एपी का सहारा लेकर के a का वैल्यू निकाल लेंगे, d का मान निकाल लेंगे, आराम से यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट करेंगे, n का मान निकल जाएगा। पहले खुद बनाओगे इस क्वेश्चन को, पहले खुद से सॉल्व करना, ये 2017 में पूछा गया है, अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आना भी चाहिए, आपको मजा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। जल्दी इसको बनाओगे, उम्मीद करते ये बन गया होगा। हम आगे चलें, मिलाना पड़ेगा, अच्छा मिला देते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एपी दिया हुआ है हियर एपी। अरे अच्छे से लिखो, एपी कितना दिया हुआ भैया जी, -1, 4, 9, 14। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एपी है। अब यहाँ बोला गया पहले इसके लिए, देयरफॉर पहले ए निकाल लेते हैं -1, डी निकाल लेते हैं 4 -1। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 लिख लिए और -1 लिख लिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन करने में, यहाँ -2 -2 चेहरा मिल रहे थे प्लस में कन्वर्ट करते हैं, -2 -+ होता है। या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कोष्ट के आगे माइनस रहेगा तो अंदर वाले का चिन्ह सिम्बॉल चेंज हो जाता है, 1 का सिम्बॉल प्लस हो गया। बहुत अच्छे, अगर इस दोनों का रिजल्ट मेरा 5 हो गया, डी का मान 5 निकल चुका है। यहाँ से हम लोग, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an जो है 129 के बराबर है। an का वैल्यू कितना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम जान अच्छे हैं। यहाँ पर a का वैल्यू -1 हो गया और d का मान जो है 5 हो गया। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको सब आसान लग रहा होगा, ये सब बहुत ही आसान लग रहा होगा। भैया ये सब आसान तो लग रहा है, लेकिन उतना भी आसान ना लग रहा है कि हम इसकी तारीफ में 2-4 शब्द कहें। आसान ना लग रहा, सही आसान नहीं लग रहा, बहुत आसान लग रहा होगा। यहाँ देखो इस -1 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आसानी से, आसान आसान सवाल से हम लोग ऐसे ऐसे सवाल तक पहुंचने वाले हैं, शायद इसके बारे में आपको भी कल्पना भी ना होगा। मैं बता दूं, हिंट्स दे दूं, अभी आसान आसान चल रहा है, परेशान मत हो, आएगा, आने वाला है, खतरे से, खतरे के आने की पहले की शांति चल रही है। भैया जी डराने लगे आप हमें, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अरे भैया डराते ना है, ठीक, यहाँ 130 हो गया, अगेन यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 5 उधर जाएगा, तो ये आपका डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, भैया इसको हम सॉल्व करें या आप सॉल्व कीजिएगा, हमने तो सॉल्व ही कर दिया, आपको खुद सॉल्व करना है, आपको खुद सॉल्व करना था, आपको सिर्फ मिलाना है, याद रखना 26 + 1 हो गया, अगेन n का वैल्यू 27 हो गया। इस प्रकार हम लोग को बनाना, यहाँ आप लैंग्वेज लिख सकते हो क्या, यहाँ पर nth के जगह पर आपको 27th लिख देना है, hence यहाँ लिखोगे hence 27th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, इज 129। बस इतना सा काम करना है।